कराची में अहम खबर है अवे शेयर क्यों पिया। सिंध हाई कोर्ट में हलीम आदिल शेख खिलाफ जांच ए केस की तफसील बाबत बुधड़ी। हलीम आदिल शेख खिलाफ केतरा केस दाखिल हैं जस्टिस के आगा जो ये चवण हो तफसील देने लाए मोहलत दिनी वने सरकारी वकील यो मौके अख्तियार किया है। अदालत जो तफसील अदालत में पेश न करण ते बकावड़ जो इजहार किया वो अदालत तरफा सरकार के वकील के केस जा तफसील पेश करण लाए बिन हफ्तन की मोहलत दिनी वही है। अदालत हलीम आदिल शेख घरवारन खिलाफ कार्रवाई का रोकण के हुक्म में वाद करे छड़ी है। अहम खबर है बुधाए रहा हूँ सिंध हाई कोर्ट में हलीम आदिल शेख खिलाफ जांच ए केस की तफसील बाबत बुधनी थी है। हलीम आदिल शेख खिलाफ केतरा केस आन जस्टिस के आगा यू पुछाणो कयो जैसे सरकारी वकील पारा तफसील देण लाइ मोहलत घुरी वही है। अदालत जो तफसील पेश न करण ते कावड़ जो इजहार किया वो एक भेर बीहर अवे आगाह क्यों पिया। ब्रेकिंग न्यूज है सिंध हाई कोर्ट में हलीम आदिल शेख खिलाफ जांच ए केस की तफसील बाबत बुधनी। हलीम आदिल शेख खिलाफ केतरा केस दाखिल थियल जस्टिस के आगाह यो पुछाणो कयो जड़े त सरकारी वकील तफसील देने लाइ मोहलत दिनी वे अदालत तफसील अदालत में पेश न करण ते कावड़ जो इजहार कयो जड़े त अदालत तरफा सरकार के वकील के केसन जा तफसील पेश करण लाइ बिन हफ्तन की मोहलत दिनी वही है। अदालत हलीम आदिल शेख घरवारन खिलाफ कार्रवाई का रोकण के हुक्म में वाध करे छड़ी।